इसलिए आखिर ये सड़न क्यों रचा जा रहा है? इसलिए रचा जा रहा है कि अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। हम पहले राजे रजवाड़े हमारे हुआ करते थे, और जब हमने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में 10 मई 1857 को कोतवाल धनसिंह गुर्जर जो सदर कोतवाली के कोतवाल थे, उन्होंने 839 कैदियों को मेरठ की जेल तोड़ करके देश की आज़ादी की क्रांति का बिगुल बजाया था। तो इसलिए हमें कमजोर करने की कोशिश है कि कहीं हम फिर दोबारा से सत्ता की ओर न चल पड़े। इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएंगे, क्योंकि अब आन और बान की बात आ चुकी है? इस लड़ाई को हम, मैंने बताया ना, वहां तक लेके जाएंगे जब तक ये सत्ताधीश लोग हमारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। ये गुजर प्रत्यास सम्राट वीर भोज को और हमारे जितने भी महापुरुष क्रांतिकारी हुए उनको सम्मान नहीं देंगे जब तक हम लड़ते रहे। आज हमारे समाज के अब किसको दोषी ठहराएंगे कि या तो इतिहास को, इतिहास में से नाम मिटाने वालों को, या फिर आज की जो राजनीति है उसको? आज की राजनीति में सत्ता के भूखे भेड़ियों को दोषी ठहराऊंगा जिन्होंने गुजरात में अभी 3-4 दिन पहले गुजरात का जो सरकार, गुजरात सरकार का जो वेबसाइट होती है उससे पुराना इतिहास बिल्कुल डिलीट मार दे, जिससे कि हमारी पहचान खत्म हो जाए। अब हम जो है कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहा है। आज की जो पंचायत है उसका अहम मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है कि भाई ये सारा गुजर एकजुट होकर और अपने अस्तित्व सड़कों पर उतरने के लिए, ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय महापंचायत उसकी तैयारी की पंचायत की है। हमारे परिवार वालों ने जहाँ करवट बदलेंगे, राजस्थान में नहीं देखा था आपने आरक्षण के लिए हमने क्या किया था?